ह्युंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट जो कि इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आपने वो हमारी वीडियो सब नहीं देखी क्रेटा के ऊपर जो फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है तो जाके एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहाँ पे उसके अलावा आपको अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के ऊपर भी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आपने वो वीडियोस देखे होगी तो फिर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखते हो तो आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, ताकि हम उसके बेसिस के ऊपर भी कई सारी बातें आपको ऐसी बताते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये बोला कि प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आज का टॉपिक होने वाला है क्रेटा एनलाइन, लेकिन क्रेटा एनलाइन के ऊपर हमने ऑलरेडी आपको बताया था वीडियो के जरिए कि आपको कौन सी लॉन्च डेट प्राइसिंग वगैरह देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने हमें बोला कि हम रुक रहे हैं क्रेटा एनलाइन के लिए, लेकिन आप हमें ये पक्का बता देना कि हमें कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जिनकी वजह से हमें ये लगे कि हम अगर एनलाइन के लिए रुक रहे हो तो वो सही डिसीजन है। तो इस वीडियो में आपको 3 या फिर 4 ऐसे रीजंस देखने को मिलेंगे जिनके चलते आपको रुकना चाहिए क्रेटा एनलाइन के लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे जो कि होने वाला है हमारा स्पोर्टी डिज़ाइन। अब जो नॉर्मल क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाली है उसमें से अगर बात करें फेसलिफ्ट के साथ में जो चेंज हो जाने वाले उसके कंपैरिजन में बात की जाए तो क्रेटा एनलाइन की डिज़ाइन थोड़ी सी मच बेटर होती है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टीनेस, क्योंकि वहाँ पे एनलाइन के होने की वजह से ह्युंडई उसको अच्छे से मॉडिफाइड करता है या फिर मॉडिफाइड जैसी दिखती है वो गाड़ी, क्योंकि रेड और ब्लैक एलिमेंट्स गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स वैसे होने की वजह से रेड और ब्लैक के मर्ज होने की वजह से वो गाड़ी के स्पोर्टी लुक्स इन्हांस हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये कोई भी कलर कोई भी गाड़ी के साथ में ये कलर आप लगा दोगे तो ये आपको होने ही वाला है कि स्पोर्टी लुक या फिर अपील आपको गाड़ी की थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसी वजह से हमने आपको बोला कि आपको स्पोर्टी डिज़ाइन के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि एनलाइन के साथ में और ज़्यादा गाड़ी स्पोर्टी दिखने वाली है एज़ कम्पेयर टू दी रेगुलर क्रेटा फेसलिफ्ट। तो इस वजह से आपको स्पोर्टी डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो रुकना चाहिए एनलाइन के लिए। अब बात करेंगे अगले हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि होने वाला है मोर फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स ओवर द रेगुलर क्रेटा। अब डिज़ाइन के बारे में तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको अच्छी खासी डिज़ाइन मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल क्रेटा फेसलिफ्ट, लेकिन अब बात आती है कि एक्स्ट्रा फीचर्स जिन लोगों को फीचर्स ज़्यादा पसंद है और कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए जो कि सेगमेंट होगा क्रेटा वाला सेगमेंट क्रेटा सेल्टोस वाला सेगमेंट, वो लोग ज़रूर रुकना चाहेंगे क्रेटा एनलाइन के लिए, क्योंकि और ज़्यादा कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन लोगों की वजह से वो उन लोगों का जो मन होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा क्रेटा एनलाइन के लिए। ऐसे कौन से आगे मैं बताऊंगा आपको, 2 फीचर्स और है जिनके लिए आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रुकना ही पड़ेगा एनलाइन क्रेटा के लिए, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फ़ीचर्स की बात की जाए तो गाड़ी के साथ में फ़ीचर्स रेगुलर क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में अच्छे खासे फ़ीचर्स आपको देखने को मिल जाने वाले, और फेसलिफ्ट के साथ में कौन से डिटेल में फ़ीचर्स आने वाले उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। अगर आपको वो वीडियोस नहीं देखनी तो आप हमारी ओवरऑल वाली फेसलिफ्ट वाली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ओवरऑल कौन से बदलाव होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फ़ीचर्स, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से फ़ीचर्स रेगुलर क्रेटा में आएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब कि रेगुलर क्रेटा फेसलिफ्ट के ऊपर भी आपको कई सारे ऐसे फ़ीचर्स देखने को मिलने वाले जो कि आपको सिर्फ एनलाइन के अंदर मिलेंगे। अब ये तो हमें भी प्रॉपर डिटेल में नहीं पता कि एनलाइन के साथ में कौन से ऐसे फ़ीचर्स आने वाले जो कि अच्छे हो गए या फिर एडिशनल हो गए एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल क्रेटा, लेकिन हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता है कि हम बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी लाएंगे जिसमें डिटेल में फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे क्रेटा एनलाइन के अंदर जो आएंगे वो। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अगर वो वीडियोज़ आती है फ्यूचर के अंदर जब भी आए तो वो अपलोड के बाद में आपको भी वीडियोज़ या फिर नोटिफिकेशन मिल जाए, तो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो आप ताकि वो सब आप मिस ना करो। और अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के ऊपर इस चैनल के ऊपर हर रोज़ नई एक वीडियो आपको देखने को मिलती है, तो इसी वजह से हमने आपको बोला कि उसके ऊपर हम आप बोलो तो हम आपके लिए वो डिटेल में वीडियो बना सकते हैं क्रेटा एनलाइन के फीचर्स के ऊपर। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है ड्राइविंग डायनामिक्स। ड्राइविंग डायनामिक्स इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ड्राइविंग पसंद है। अब जो लोग क्रेटा ले रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमें ड्राइविंग थोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, ऐसे लोग नहीं होते हैं जो लोग क्रेटा खरीदते हैं। और जो लोग क्रेटा खरीदते हैं उसमें से भी कई लोगों को ज़्यादा होता है कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्राइविंग के बारे में मतलब कि ड्राइविंग के डायनेमिक्स समझ आते हैं, या फिर उन लोगों को ऐसा होता है कि ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के बहुत अच्छे होने चाहिए, उन लोगों के लिए होने वाली है क्रेटा एनलाइन। तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपके लिए
कि अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के समझ आते हैं, आपको सस्पेंशन समझ आता है, या फिर गाड़ी की राइड क्वालिटी वगैरह, स्टेयरिंग फीडबैक अगर आपको समझ में आता है ना, तो फिर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, या फिर आपको पता चलता है कि गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे है, तो ऐसे लोगों के लिए क्रेटा एनलाइन होने वाली है। क्यों? क्योंकि क्रेटा एनलाइन के अंदर आपको सस्पेंशन सेटअप पूरा चेंज देखने को मिलेगा, और ज़्यादा स्टीफ होगा, स्टेयरिंग का फीडबैक आपको और ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेट मिलेगा। इस वजह से आप जब भी गाड़ी को चलाओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये भैया नॉर्मल क्रेटा है, क्योंकि स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपको थोड़ा बहुत एडिशनल वेट ऐड कर दिया जाने वाला है। क्रेटा का स्टेयरिंग व्हील उतना लाइट है कि आप एक उंगली से उसको घुमा सकते हो, जो कि एन लाइन के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्रेटा एन लाइन उसी लोगों के लिए है, या फिर उसी लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों को ड्राइविंग पसंद है। और सच में अगर आप एन लाइन को चलाओगे तो आपको वो फील भी होगा, क्योंकि i20 एन लाइन के साथ में हमने ऑलरेडी वो चीज़ देख ली है, सस्पेंशन स्टीफ करना, स्टेयरिंग फीडबैक अच्छा खासा होना, वो ज़्यादातर लोगों को या पसंद नहीं, या मतलब कि जो लोग नॉर्मल क्रेटा लेते होते हैं उन लोगों को वो ज़्यादा समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो तो फिर क्रेटा एन लाइन के लिए रुक जाओ, अगर आप पेशेंस हो, या फिर तो अगर आपको रुकना पसंद है तो। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बेटर इंजन ट्विक्स इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड पावर फिगर्स। अब ये एक ऐसा पॉइंट होने वाला है कि अगर आपको एन लाइन अगर आप ले रहे हो तो फिर आपका मेन कंसर्न यही होगा कि भैया मुझे ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे चाहिए, या फिर बहुत अच्छे चाहिए ड्राइविंग डायनेमिक्स, और इसी वजह से मैं इस गाड़ी को परचेस कर रहा हूँ। तो वैसे ही लोग होंगे जो लोग क्रेटा इनलाइन को प्रेफर कर रहे होंगे कि इन लोगों को पावर वगैरह तो चाहिए ही होगा, और इसी वजह से पावर और टॉर्क के अंदर ट्विक्स तो हुंडई को करने ही वाले, और ट्विक्स के बिना तो वो क्रेटा इनलाइन का जो होगा इंजन या फिर गेयरबॉक्स वगैरह वो सब सेम ही हो जाएगा एस कम्पेयर टू दी रेगुलर क्रेटा। इसी वजह से उस इंजन या फिर गियरबॉक्स के अंदर आपको कुछ ऐसे ट्विक्स देखने को मिलेंगे जिसके चलते आपको इनिशियल टॉर्क ज़्यादा मिल जाए, इनिशियल पावर ज़्यादा मिल जाए। हालांकि इंजन गियरबॉक्स सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर ट्विक्स करने के बाद में वो आपको थोड़े से और ज़्यादा फास्टर या फिर और ज़्यादा अग्रेसिव इंजन हो जाएगा, पावर टॉर्क आपको ज़्यादा जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी पावर और टॉर्क दोनों की। इस वजह से आपको ड्राइविंग के ऊपर बहुत अच्छा खासा वो फ़र्क नज़र आएगा, और इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप जा रहे हो एनलाइन के लिए तो फिर पक्का आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट ही होंगे, और ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो तो फिर ये पॉइंट आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि इस पॉइंट में यही है कि क्रेटा के इंजन के पावर और टॉर्क फिगर्स जो है उनको थोड़ा बहुत इनिशियली ट्विक्स करने वाली है ह्युंडई। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके लिए, अगर आपको पसंद आए तो फिर आप रुक सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।